एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसके हमारे पास चार टोटल पार्ट्स हैं। ए बी इज इक्वल करना है बी ए, ए इंटू बी सी इक्वल करना है ए बी इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल करना है ए बी माइनस ए सी। जरूरी नहीं है कि हमने, उन्होंने हमें क्या कहा, वेरीफाई डैट, वेरीफाई हमने तस्दीक करके बतानी है कि ये इक्वल है या नहीं। सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू है बी ए के, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट भी नियर टू इसी तरह ही है। सबसे पहले हम इसको देखें, ये हमारे पास क्या है ए बी, वट इज ए बी, ए इज माइनस वन थ्री टू जीरो, एंड बी हमारे पास क्या है वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस मैट्रिसेस का। जब भी आपने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो दरमियान में हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का। तो इसके पास रो फर्स्ट के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है कॉलम वन के सेकंड एलिमेंट के साथ, प्लस मैट्रिसेस का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि आपको याद रहे कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रीट कर चुके हैं, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस मैट्रिसेस का थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, ठीक है, ओके। अब देखें, अब हमारे पास आगे क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस मैट्रिसेस का जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, स्पेस दें, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस मैट्रिसेस का जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। देखिए जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। अब आगे क्या करेंगे, वन वन द वन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, थ्री थ्री द नाइन, स्पेस टू वन द टू माइनस टू आ गया, थ्री फाइव द प्लस माइनस माइनस, थ्री फाइव द फिफ्टीन। यार ये आपने रूल्स ऑफ इंटीजर्स लाजमी अपने रजिस्टर्स पे कॉपी करने हैं ताकि आपको जब हम टू थ्री फोर फाइव यानी इसी तरह गो थ्रू करें सारे चैप्टर्स को, तो आपको ये साइन लाजमी रटे होने चाहिए। इधर क्या आ जाएगा, टू वन द टू प्लस माइनस माइनस, जीरो को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई दें, जीरो को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो। इधर क्या आ गया, टू प्लस टू मल्टीप्लाई टू इज फोर प्लस माइनस माइनस जीरो। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ गया माइनस माइनस, देखे सिंपल केस है, माइनस माइनस होगा ये प्लस, लेकिन साइन हमारे पास कौन सा आएगा, माइनस का। तो इधर हो गया माइनस टेन, इधर क्या हो गया हमारे पास फिफ्टीन, इधर क्या हो गया हमारे पास माइनस सेवनटीन, इधर क्या आ गया हमारे पास टू, इधर क्या आ गया फोर, ठीक है। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी का। अब हम बी ए को देख लेते हैं, बी क्या है हमारे पास, वन, ठीक है, वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, और ए हमारे पास क्या है, माइनस वन है थ्री है टू है और जीरो है, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या है, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस मैट्रिसेस का सेकंड को सेकंड के साथ टू मल्टीप्लाई बाय टू, स्पेस फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट वन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस मैट्रिसेस का टू मल्टीप्लाई बाय जीरो, ब्रैकेट करें क्लोज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस मैट्रिसेस का माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू, स्पेस दें, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस मैट्रिसेस का माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो, ठीक है जी। अब हम सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वन वन द वन, इधर आ गया माइनस वन, टू टू द फोर, स्पेस वन थ्री द थ्री प्लस टू जीरो द जीरो। अब देखें आगे, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में, प्लस, इधर आ जाएगा थ्री प्लस माइनस माइनस, फाइव टू द टेन, इधर क्या आ गया थ्री थ्री द नाइन, इधर आ गया माइनस नाइन प्लस माइनस माइनस, फाइव जीरो द जीरो। अब देखें,
अब इधर हमारे पास क्या आ गया, फोर चार में से हमने एक निकालना है, तो साइन हमने कौन सा रखना है, सब्ट्रैक्ट द नंबर। जब भी आप नंबर को माइनस करें कीप द साइन ऑफ द बिगर नंबर, हमने हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का नंबर रखना है। तो इधर आ गया थ्री, इधर क्या आ गया थ्री, इधर क्या आ गया माइनस सेवन, इधर क्या आ गया माइनस नाइन। ठीक है, दस में से हमने तीन निकाले तो बाकी बचे सेवन, तो हमने साइन कौन सा रखना है हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का। आप देखें हमारे पास आंसर क्या होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आप जो ये वाले क्वेश्चन होंगे इसको आप खुद करेंगे। यहां पे हमारे पास जो बी ए फॉर एग्जांपल ये आया, बी ए ये है, तो आप इसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई दे देंगे किसके साथ, सी के साथ। तो आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड के नहीं आई। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट होता है। अब आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें इसके बाद हमें भी छुट्टी, हाँ जी छुट्टी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है हमने राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये देखें। सबसे पहले हम देखें ए क्या है, ए इज, ए हमारे पास है माइनस वन थ्री टू जीरो, ये हमारे पास ए है। ठीक है, अब हमें इसी क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो हम कहते हैं कि पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आपने रोज को इंटरचेंज कर देना है कॉलम्स में। तो हमारे पास ये रोज थी, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया कॉलम्स में, यानी कि रोज शिफ्ट हो गई कॉलम्स में, और इसमें सेकंड वाली रो को भी आप शिफ्ट कर दें कॉलम्स में। बी हमारे पास क्या था, बी है हमारे पास क्या है, वन है टू है माइनस थ्री है और माइनस फाइव है, ये है हमारे पास बी। और बी का हमारे पास ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को आपने शिफ्ट कर देना है कॉलम्स में, और इसने रोज को आपने शिफ्ट कर देना है कॉलम्स में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। पहले हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, पहले हमें फाइंड करने की जरूरत है ए बी, देन हम क्या चीज फाइंड करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ए बी, ए बी हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास माइनस वन थ्री टू जीरो, और बी हमारे पास क्या है, वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव। ठीक है, अब देखें, अब हम ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस क्या हैं कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है, तो ये वन को वन के साथ मल्टीप्लाई देंगे, इधर आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस मैट्रिसेस का थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री स्पेस। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस मैट्रिसेस का थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, ब्रैकेट करें क्लोज। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस मैट्रिसेस का जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव प्लस स्पेस। इसके बाद टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस मैट्रिसेस का जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन वन द वन माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री सी द नाइन स्पेस, टू वन द टू माइनस टू प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री द फिफ्टीन, टू वन द टू प्लस माइनस माइनस जीरो, जीरो को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, जीरो को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर प्लस माइनस माइनस फाइव जीरो दा जीरो। अब आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें माइनस माइनस सिंपल केस है, माइनस माइनस होंगे ये प्लस, लेकिन साइन हम कौन सा यूज करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू का, इधर आ जाएगा माइनस टेन, इधर आ जाएगा फिफ्टीन, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, साइन आएगा बड़ी वाली वैल्यू का, 15 प्लस 17 हो जाएगा, होंगे ये प्लस, माइनस माइनस होते प्लस हैं लेकिन साइन हम बड़ी वाली वैल्यू का लगाते हैं, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा हमारे पास 4। ये हमारे पास क्या आ गया यार, ये हमारे पास आ गई भाई ए और बी, ए बी हमारे पास क्या आ गया, माइनस 10 माइनस 17 2 4। अब ए बी का हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस 10 माइनस 17 टू और फोर। अब हम शिफ्ट क्या कर देंगे, सिर्फ रोज को हम शिफ्ट कर देंगे कॉलम्स में, और इस सेकंड रो को हम शिफ्ट कर देंगे के सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, माइनस टेन टू माइनस सेवनटीन फोर आया, और अब यहाँ पे क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज,
हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई देना है ए के ट्रांसपोज के साथ। अब बी का ट्रांसपोज क्या है, बी का ट्रांसपोज है आपके पास 1 - 3 - 2 - 5। इसके बाद ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या है, -1 - 2 - 3 - 0। अब देखें, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - -1 प्लस मैट्रिसेस का -3 - 3 स्पेस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 - -1 - 3 - 3 स्पेस इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 प्लस मैट्रिसेस का -3 - 0 ये ब्रैकेट करें क्लोज। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई देंगे 2 - -1 प्लस मैट्रिसेस का -5 - 3 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 - 2 प्लस मैट्रिसेस का -5 - 0। इसके बाद आगे क्या होगा, 1 - 1 - 1 आ जाएगा प्लस माइनस -9 आ जाएगा स्पेस 2 - 2 प्लस माइनस -3 - 0 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई दें, 0 को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें वहां से हमारे पास क्या आएगा, 0। इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन का केस है, प्लस माइनस क्या होता है, -2 - 1 - 2 प्लस माइनस -5 - 3 - 15 2 - 2 - 4 प्लस माइनस -5 - 0। अब देखें आगे, अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस माइनस सिंपल केस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन हम कौन सा लगाते हैं, माइनस के इधर हो गया -10 इधर क्या हो गया 2 इधर क्या हो गया -17 माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन आता है हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू का इधर क्या हो गया 4। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है, एक बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या है, -10 - 10 2 - 2 -17 है इधर क्या है 4। हम कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सबसे पहले हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट मिल सके। आपका वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।